सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज थोड़े हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दोस्तों आपके आधार कार्ड में एक अपडेट आया है। सो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आपके आधार कार्ड में क्या अपडेट आया और दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एंड तक आपको स्टेप बाई स्टेप देखना पड़ेगा। सो दोस्तों, आपका पहले जो आधार कार्ड था, आपका जो आधार कार्ड है चेंज हो चुका है। सो दोस्तों, आपके आधार कार्ड में अपडेट हो चुका है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आपके आधार कार्ड में क्या अपडेट हुआ है। सो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ा तक देखना पड़ेगा, आप इजीली सीख जाएंगे कि दोस्तों आपके आधार कार्ड में क्या अपडेट हुआ है। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा और आपको इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपके आधार कार्ड में क्या अपडेट हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन में इस तरीके से गूगल क्रोम को ओपन करना। गूगल क्रोम को जैसे ओपन कर लेंगे तो आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा UIDAI.gov.in। सो दोस्तों, जैसे आप यहाँ से यहाँ पे आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है, इस तरीके से आप लिख करके आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आधार कार्ड वाले ऑप्शंस पे। सो दोस्तों, जैसे आप इसे आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में दोस्तों यहां पे दोस्तों आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों अपने आधार कार्ड को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपके आधार कार्ड में क्या अपडेट हुआ है। तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों, अब आपको सिंपली यहां पे एक ऑप्शन हो रहा है दोस्तों, यहां पे डाउनलोड, यहां पे आधार डाउनलोड करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपना आधार नंबर आपको डालना है। दोस्तों, आपके पास जो भी आधार कार्ड है, अपने आधार कार्ड नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड नंबर जैसे डाल देंगे तो नीचे दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड हो रहा है, तो कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड नंबर कैप्चा कोड डाल करके आपको यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हमसे क्या करेंगे, अब मेरा जो आधार कार्ड नंबर, अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके हम सेंड OTP क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस तरीके से क्या किया, आधार नंबर डाल दिया, आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड भी डाल दिया, आपको सेंड OTP क्लिक करना। जैसे सेंड OTP क्लिक कर देंगे तो दोस्तों, अब आपके आधार कार्ड से आपका जो भी नंबर लिंक होकर रजिस्टर्ड होगा, उसमें एक OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको यहां पे डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हमसे क्या करेंगे, उस OTP को इस तरीके से हम डाल देंगे। तो दोस्तों, अपने OTP को आपको यहां पे डालना। OTP जैसे डाल देंगे तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको जब OTP डाल देंगे तो आपको सिंपली यहां पे नीचे दोस्तों वेरीफाई एंड डाउनलोड का ऑप्शन हो रहा है, तो आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, जैसे आप इसे वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, आपके फोन में आपका जो आधार कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों, जब आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि दोस्तों आपके आधार कार्ड में क्या अपडेट हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड है डाउनलोड हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, योर आधार कार्ड हैज बीन डाउनलोड सक्सेसफुली। सो दोस्तों, यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे दोस्तों PDF में डाउनलोड होगा, तो आपको PDF पे क्लिक करना। जैसे PDF पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है इस तरीके से ओपन होगा। तो अब आपको अपने आधार कार्ड का यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। सो दोस्तों, पासवर्ड आपको क्या डालना पड़ेगा, आपके आपका जो नाम है दोस्तों, अपने नाम का स्टार्टिंग डालना कैपिटल में, उसके बाद में दोस्तों आपको जो ईयर, अपने ईयर को आपको डालना है। तो आपको अपने नाम का स्टार्टिंग का 4 अक्षर आपको यहां पे दोस्तों कैपिटल में आपको डालना है। कैपिटल में डालने के बाद में अपने ईयर को आपको इस तरीके से डालना, ईयर डालने के बाद में आपको कंफर्म पे क्लिक करना। जैसे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो आधार कार्ड है यहां पे इस तरीके से डाउनलोड हो चुका है। सर, जब दोस्तों आपका जो आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें अपडेट क्या है, दोस्तों यहां पे नीचे जब आएंगे तो दोस्तों आपको यहां पे अपडेट आपको यहां पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहां पे आपके आधार कार्ड में अपडेट यही आया कि दोस्तों आधार कार्ड पहचान यहां पे का प्रमाण है और यहाँ पे नागरिकता या जन्म तिथि नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपके आधार कार्ड में अपडेट हुआ। पहले दोस्तों आपके आधार कार्ड में यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट दोस्तों अब आपके आधार कार्ड में इस तरीके से ऑप्शंस आ रहा है। सो दोस्तों, यही अपडेट था आपके आधार कार्ड में। सो दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपके पास पुराना भी आधार कार्ड है या दोस्तों आपके पास ये भी आधार कार्ड है तो दोस्तों कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कोई भी आधार कार्ड से अपना काम करवा सकते हैं। बस दोस्तों, आपके आधार कार्ड में यही अपडेट आया था, तो मेरा काम था बताना दोस्तों, इस तरीके से हम आपको बता दें। तो चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।